हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एनिवर्सरी स्पेशल केक। ये केक मैंने मेरी अम्मी और अब्बा के लिए बनाया था, उनका कल एनिवर्सरी थी, जिसका डेकोरेशन बहुत इजी और बहुत अट्रैक्टिव भी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम बेस बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक बोल में दो अंडे ऐड करी और 2/3 कप पिसी हुई शक्कर मैंने 2/3 कप ली। अगर मेजर नहीं समझ रहे तो 1/3 कप को डबल टाइम ले ले, और 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप दूध और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेंगे। सो यहाँ पे देखे मैंने इन्हें अच्छे से 1 मिनट के लिए बीट कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक छन्नी रख के उसमें ऐड करूँगी 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इन्हें हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे अब हम वापस से इसे बीट कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। पहले मशीन डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे वरना पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स उड़ जाएगा। सो इसे जब तक के लिए हमें बीट करना है जब तक कि हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। सो यहाँ पे देखिए एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो चुका है और हमें इसी कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। सो अब मैंने यहाँ पे ली हो 6 इंच का केक टिन, उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दी थी और हमारा जो बैटर है वो अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 175 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को प्रीहीट होने रख दी थी 10 मिनट के लिए। तो अब हम इसे ओवन में रख देंगे प्रीहीट करे हुए और इसे बेक कर लेंगे 45 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट्स हो चुका है और ये एकदम फूल के एकदम ऊपर आ गया है। और मैंने यहाँ पे स्टिक डाल के चेक करी तो एकदम क्लियर आई थी स्टिक। 45 मिनट्स एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। सो इसे हम ओवन से निकाल लेंगे और इसे एक वायर रैक पे ट्रांसफर कर लेंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी और ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का नीचे से गर्म है। और यहाँ पे देखिए इसने साइड्स कुछ से ही छोड़ दी, मैंने नाइफ बिल्कुल भी नहीं यूज़ करी है। तो थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी और ताकि और इजीली निकल जाए। तो लूज़ करके मैं इसे डिमोल्ट कर लूँगी। देखिए केक एकदम इजीली डिमोल्ड हो चुका है। अब हम इसका पार्चमेंट पेपर निकालेंगे। पार्चमेंट पेपर में नीचे का थोड़ा सा केक का पीस चिपक गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कुछ होएगा नहीं। और इसे मैं पलटी करके रख दूंगी। और लेकिन देखिए ऊपर का थोड़ा सा वो क्रस्ट आया ना वो, लेकिन टेस्ट में अच्छा लगता है, उसे तो हमें वैसे भी ट्रिम कर लेना है। लेकिन नीचे से देखिए एकदम सॉफ्ट स्पंजी केक बना है जो हमें यूज़ करना है केक के लिए। और ये देखिए मैं कितना ईजी और ईजी मैथड था ये एकदम बैटर केक का। सो अब हम इसे साइड में रख देंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाना है। और यहाँ पे मैंने ली हूँ 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसमें मैं ऐड करूँगी करीब 1/3 कप के जितना दूध। 1/3 कप हमें पूरा नहीं ऐड कर लेना है, हमें इसका पेस्ट रेडी करना है। सो मैंने पूरा नहीं यूज़ करी 1/3 कप, ग्रेजुअली हमें ऐड करना है और देखना है कि पेस्ट कैसे बनता है। सो मैंने आधा इसका यूज़ करी थी जो 1/3 कप ली थी, और ये ऐसा पेस्ट हमें बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और अब मैंने यहाँ पे लिए एक बोल, इसमें मैं ऐड करूँगी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम 1 कप, और ये एकदम चिल्ड है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 बड़े चम्मच 1/2 टेबल स्पून पाउडर शुगर पीसी हुई शक्कर। और हम इसे ना पाउडर शुगर जो जब तक मिक्स नहीं हो जाती तब तक के लिए वेट कर लेंगे। और फिर हमारा जो कोको पाउडर का हमने पेस्ट बना के रेडी करा है ना, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैं इसलिए ऐसा ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कोको पाउडर ऐड करेंगे तो उससे थोड़े से ना कोको पाउडर के पार्टिकल्स दिखते, तो ऐसा ऐड करने से ना एकदम मस्त व्हिपिंग क्रीम बीट होएंगी और अच्छे से हमारा जो चॉकलेट का फ्लेवर है वो भी अच्छे से आएगा। तो मैंने पूरा ऐड कर दी थी ग्रेजुअली, और ऐसे बीट करने के हम जब तक के इसमें स्टिफ पिक्स नहीं रेडी हो जाते। तो यहाँ पे देखिए स्टिफ पिक फॉर्म होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो मतलब हमारी क्रीम जो है वो बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। और हमें मैंने इसे नीचे ना बर्फ़ नहीं रखी थी क्योंकि अभी तो ठंडी का मौसम है, और अगर आप लोग के गर्मी है ज़्यादा तो आप लोग नीचे बर्फ़ भी रख सकते हो। और मैं देखिए एकदम अच्छे से एकदम बीट हो चुकी है। अगर मैं इसे पलटी करके भी चेक करूँगी ना तो भी ये गिरेगी नहीं नीचे, तो ऐसे ही हमें क्रीम बीट कर लेना है। और अब हम इसे जब तक केक नहीं बनाते जब तक के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। और अब हम हमारा जो केक बेस है हमने जो बेस रेडी करा है वो ले लेंगे।
और इसे ना मैं अभी कट कर लूँगी, मैंने केक लेवलर यूज़ करी हूँ। आप लोग के पास अगर नहीं है तो आप लोग इसे भी काट सकते हो। और सीरेटेड नाइफ मैंने यूज़ करी हूँ, आप लोग नॉर्मल छुरी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सीरेटेड नाइफ से ना केक लेवल से ना वो सही से कटते हैं। और ये जो केक लेवल मैंने यूज़ करी हूँ ना, उससे भी ना केक टेढ़ा मेढ़ा लेयर नहीं कटेगा, ये देखिए एकदम प्लेन लेयर कटा है। सो मैंने ऐसे तीन लेयर काट दी हूँ, और ऊपर का जो पार्ट था ना वो भी मैंने ट्रिम करके हटा दी हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने एक बोल ली हूँ, उसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप के जितना पानी और 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करने के बाद हमारा हो गया शुगर सिरप रेडी। मैंने यहाँ पे एक टर्न टेबल के ऊपर ना प्लेट रख दिया, आप लोग केक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लेंगे। मैंने क्रीम को है ना पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर ली हूँ, और एक केक का जो लेयर है वो हम प्लेस कर देंगे, और उसे अच्छे से शुगर सिरप से ना मॉइस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना क्रीम के लिए लगा दी थी एक, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो वही मैंने पाइपिंग बैग से अच्छे से क्रीम के लिए लगा ली, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर ली। और यहाँ पे मेरे पास है ना थोड़े से चोको चिप्स थे, तो मैंने चोको चिप्स भी ऐड कर ली थी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो। चिप्स ऐड करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा स्पैचुला से ना प्रेस कर ली, और इसके ऊपर हमने मैंने ना सेकेंड लेयर की जो केक की लेयर थी वो प्लेस कर ली, और उसे भी अच्छे से हम शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे। इस पर भी मैंने ना पाइपिंग बैग से ही क्रीम की लेयर एक लगा दी, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर ली। और मैंने ऊपर से ना थर्ड लेयर भी प्लेस करके पूरे, मतलब पहले मैंने मॉइस्ट कर ली शुगर सिरप से, और थर्ड लेयर को भी, और फिर मैंने ना पूरे केक को ना क्रीम से कवर कर ली। तो यहाँ पे देखे मैंने पूरे केक को ना कवर कर ली क्रीम से, और इसे ना मैंने फ्रिज में सेट होने रख दी थी, और ये अच्छे से सेट हो चुका है। और अभी वापस हम फ्रिज में ही रख देंगे इसे। और यहाँ पे मैंने ना डार्क चॉकलेट ली 80 ग्राम के करीब चॉप क्रीवी, और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून मिल्क, और इसे डबल बॉयलर मेथड से हम मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखे मैंने मेल्ट कर ली हूँ, और इसे अब हम पाइपिंग बैग में ना फिल कर लेंगे, और हमारे जो केक का आधा पार्ट है ना उस पर ना अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और ड्रिपिंग्स भी बना लेंगे। और जैसे मैंने दिखाई वैसे ही करना है। अगर आप लोग को डेकोरेशन ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कर ज़रूर करना, मेरे को ये डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो ये मैंने देखा हाफ पार्ट पे ना पूरे केक के अच्छे से स्प्रेड कर ली हूँ चॉकलेट, और मैंने थोड़ी सी बच भी गई थी चॉकलेट, लेकिन वो बाद में मैंने यूज़ कर ली थी, आप लोग को आगे देखने मिलेगा। और यहाँ पर मैंने देखिए स्टार नोजल यूज़ करी हूँ केक का डेकोरेशन करना है, और इससे ना अब हम एक स्वर्ल बना लेंगे जो हाफ पार्ट पे हमने नहीं करे ना क्रीम चॉकलेट स्प्रेड, उसकी मतलब जो बीच में हमने लाइन बनाई है उसमें हमें बना लेना है इसी स्वर्ल। केक के नीचे के बॉर्डर पे भी ना ये सेम नोजल से मैं बॉर्डर बना लूँगी। हाफ पार्ट पे भी मैंने जो चॉकलेट नहीं डाली ना वहाँ पे भी मैं ऐसे नीचे जैसा सेम बॉर्डर बनाया वैसे ऊपर भी बना लूँगी। तो यहाँ पे देखे मैंने ये साइड में भी बॉर्डर बना ली हूँ, और ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है अभी। सो यहाँ पे मैंने ना ये सिल्वर स्प्रिंकल्स ली हूँ छोटे छोटे, और ये जो चॉकलेट का पार्ट है उस पर मैं डाल दी। इससे क्या है लुक और उठ के आया था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था लुक। सो वो साइड तो मैंने स्प्रिंकल डाल दी, और ये जो दूसरा हाफ पार्ट है उसमें ना मैं जो चॉकलेट घनाश बच गई है उससे ए और वाई लिख दूंगी। ये मेरी अम्मी अब्बा के जो नाम का है वो इनिशियल अल्फ़ाबेट है। और ये हो गया हमारा केक रेडी। कैसी लग रही है आप लोग को ये डेकोरेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो यहाँ पे मैंने इसे फ्रिज में सेट होने वापस से रख दी थी, और ये देखिए इतना मस्त लग रहा है। इसकी हाइट भी बिल्कुल अच्छी लगी, और डेकोरेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने करी डेकोरेट, और एकदम बेकरी स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साइड में भी देखिए इसकी हाइट कितनी मस्त बनी है। सो आप लोग भी ऐसा डेकोरेशन ज़रूर ट्राई करना, और आप लोग को ये डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब मेरी अम्मी और अब्बा दोनों केक को कट करेंगे। तो दिखने से ही लग रहा है कि केक हमारा जो है कितना सॉफ्ट बना है, मतलब कट करने से ही लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग की पीस निकाल के दिखाती हूँ, और लेयरिंग भी देखिए कितनी मस्त बनी है, एकदम बेकरी स्टाइल ही है।
कैसी लगी आप लोग को ये रेसिपी? और डेकोरेशन केक का जो बेस है उसकी भी रेसिपी बहुत इजी है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और कैसी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।